राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम सावधानियां बरतनी छोड़ दें। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आज से 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए टीकाकरण रोक दिया गया है। केंद्र सरकार ने वैक्सीन की जितनी डोज दी थी वो खत्म हो गई है, इसके कारण कई सेंटर्स को बंद कर दिया गया है। कुछ डोज बचे हुए हैं जो शाम तक खत्म हो जाएंगे। कल से युवाओं के वैक्सीनेशन के सभी सेंटर बंद हो जाएंगे। हमने केंद्र से और वैक्सीन डोज की मांग की है, जैसे ये डोज हमें मिलते हैं दिल्ली में फिर से युवाओं का टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की जरूरत है, इसके मुकाबले मई में हमें केवल 16 लाख वैक्सीन मिली। जून के लिए केंद्र ने इस कोटे को और कम कर दिया है, केवल 8 लाख कर दिया है। अभी तक हम दिल्ली में 50 लाख लोगों का वैक्सीनेशन कर चुके हैं और दिल्ली के सभी युवाओं के लिए हमें 2.5 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है। अगर इसी रफ्तार से हमें वैक्सीन मिली तो केवल दिल्ली के युवाओं को वैक्सीन लगाने में 30 महीने लग जाएंगे। इतने दिनों में ना जाने कितनी लहरें आएंगी और कितने लोग मर जाएंगे। अस्पताल बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर जैसी सुविधाओं की व्यवस्था तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन कोरोना के घातक परिणाम से बचने के लिए वैक्सीन ही सबसे असरदार है। वैक्सीन की कमी केवल सरकार की चिंता नहीं है, बल्कि आम आदमी भी इससे डरा हुआ है। कोरोना की चपेट से देश को बचाने के लिए हमें वैक्सीन की उपलब्धता को तुरंत बढ़ानी होगी। इसके लिए केंद्र सरकार को मेरे 4 सुझाव हैं। पहला ये कि भारतीय बायोटेक कंपनी जो कोवैक्सीन बनाती है, वह अपना फॉर्मूला दूसरी कंपनियों को देने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार देश में वैक्सीन बनाने वाले अन्य सभी कंपनियों को बुलाकर आदेश दे कि युद्ध स्तर पर इस फॉर्मूले से वैक्सीन बनाई जाए। दूसरा ये कि सभी वैक्सीन को भारत में इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए और विदेशी वैक्सीन के निर्माताओं से केंद्र सरकार द्वारा खुद बात करी जाए। यह काम राज्यों पर छोड़ना सही नहीं। कई राज्य जो अपनी जनसंख्या के मुकाबले अधिक वैक्सीन जमा कर रहे हैं, उनसे बात करनी चाहिए केंद्र सरकार को और ऐसे करने से मना करना चाहिए। विदेशी वैक्सीन की कंपनियों को भारत में उत्पादन की अनुमति देनी चाहिए। ये थे 4 सुझाव जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को दिए हैं। अब देखना ये होगा कि युवाओं के लिए वैक्सीन केंद्र सरकार द्वारा कब तक अलॉट की जाती है और दिल्ली राज्य में युवाओं का वैक्सीनेशन कब तक पूरा हो पाता है।